हेलो दोस्तों, आज बेंगलोर की रेस थी और बेंगलोर की रेस मतलब कार तो अच्छी गई, लेकिन मैं खुद लॉस में हूँ क्योंकि मैंने आज अपना ठीक से नहीं खेला हूँ। क्योंकि प्रॉफिट होने के बाद भी कुछ लास्ट रेस तक चला गया तो लॉस में आ गया। तो कोई बात नहीं, मेरा बैड लक था। आज कुछ लोगों का प्रॉफिट है, कुछ लोगों का लॉस है। जिन लोगों ने प्रॉफिट किया उन लोगों ने फ़ोन करके बताया कि प्रॉफिट है, और मैंने खुद मैं ग्रुप में गलतियाँ हुई मतलब मिस्टेक हो गए तो कुछ लोगों का लॉस भी है। तो देखते हैं, कल डेली है और कुछ रेस है ना, मतलब लोग आज बात कर पूछे थे मुझसे कि सर आप वीडियो में कुछ देते हो और ग्रुप में कुछ अलग कर देते हो तो ऐसा क्यों करते हो। तो यहाँ पर ना हैंडीकेपिंग होती है, वहाँ पर फिटनेस देखना पड़ता है, घोड़े की शाइन देखनी पड़ती है, उसका नेक आर्च, उसका कोट कैसा दिख रहा है, फिट दिख रहा है या बेकार दिख रहा है, ये सब देखना पड़ता है। क्योंकि वो नहीं देखते ही घोड़ा आउट हो जाता है। ऐसा नहीं कि घोड़ा फिट दिखता है तो आ जाता है, कुछ घोड़े सुपर दिखते हैं लेकिन आते नहीं हैं। जैसे फर्स्ट रेस में अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपको पता होगा उसके बारे में, तो 3 नंबर लुक लाइक ए विनर, घोड़ा विनर लग रहा था, लेकिन ट्रेवर ने आई थिंक लेट चार्ज किया, कुछ ये हुआ, मतलब उसको इनसाइड जब लिया तो पता चल गया था ये घोड़ा नहीं जा रहा है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, मतलब विनर दिखना मतलब जीत जाना नहीं होता, उसके शाइन हमें ये सब देखना पड़ता है, इसलिए क्योंकि घोड़ा कैसा दिख रहा है। अगर उसके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ यार कैसा लग रहा है, उसके बाद खेल सकते हैं। आना 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 बोला के बाद होती है, क्योंकि घोड़ा विनर लगे लेकिन गेट में फंस जाए तो क्या कर सकते। ये सब चीज़ें होती हैं और मैं पूरा डिस्क्राइब तो नहीं कर पाऊँगा कि फिटनेस कैसा होना चाहिए। अगर आप रोज़ घोड़े को देखेंगे, मतलब 5 घोड़े आपके सामने खड़ा कर दिया जाएंगे, तो आप उसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा बेटर लग रहा है। तो ये सब देखने वाली बात होती है, तो इसीलिए मैं कभी कभी चेंज करता हूँ। आज जैसे सिक्स रेस, आई थिंक सिक्स रेस या सेवन्थ रेस में सूरज का वो घोड़ा था लास्ट विश, वो घोड़ा पैडक में विनर लग रहा था, लेकिन आई थिंक कुछ हुआ कि पेस को बैलेंस नहीं कर पाया सूरज तो घोड़ा सेकंड हो गया। ये सब होती रहती हैं, तो चलिए क्या कर सकते हैं, रेस अपने हाथ में नहीं, अपने हम नहीं चलाते, तो हम हैंडीकैपिंग करते हैं और पैडक में देखते हैं, बेटिंग ट्रेंड को देखते हैं, फिर खेलते हैं। आना ना आना वो अलग बात होती है, लेकिन अपना बेस्ट देना अपना काम है, आए या ना आए ये तो रेस वाले ही जाने कि क्या करते हैं वो लोग। तो चलिए बात करते हैं कल के 25 मार्च 2023 की रेस है। टोटल 6 रेसेस हैं। फर्स्ट रेस द रोज प्रिंस प्लेट डिवीज़न 1 क्लासपुर की रेस है, हॉर्स एट 20-46। 1200 मीटर की रेस है 2:45 को। यहाँ पर 11 हॉर्सेस हैं। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 3 फ्लावर पावर, जो कि अमन फॉर विन प्लेस, प्लेस मिले तो प्लेस के लिए घोड़ा अच्छा है, प्लेस में आना चाहिए। लास्ट टाइम जो कि सस्पेंड हुआ था, बेड राइडिंग मतलब डेंजरस राइड किया था घोड़े को, तो कल ये घोड़ा प्लेस आना चाहिए। देखते हैं क्या भाव खुलता है। अब बात करते हैं सेकंड रेस, द रोज प्रिंस प्लेट डिवीज़न 2 क्लासपुर की रेस है, हॉर्स एट 20-46। 1200 मीटर की रेस है 3:15 को। यहाँ पर भी 11 घोड़े हैं। यहाँ पर मेरे चॉइस है हॉर्स नंबर 5 मास्टर कजवे, जो कि NS राठौर फॉर इन प्लेस, प्लेस गुड, प्लेस मिले तो प्लेस के लिए। और दूसरी चीज देखिए भाव क्या खुलता है। यहाँ पर ओट्स बहुत मैटर करती हैं दिल्ली में। अब बात करते हैं थर्ड रेस, द यंग बीस्ट प्लेट क्लास 3 की रेस है, हॉर्स रेटेड 40-66। 1200 मीटर की रेस है 3:45 को। यहाँ पर 14 हॉर्सेस हैं। यहाँ पर मुझे 2 घोड़े पसंद है, एक हॉर्स नंबर 14 अश्व फिगारो, जो कि ईश्वर सिंह, और एक हॉर्स नंबर 13 माइटी, जो कि HM अक्षय। अगर 14 नंबर माल लगे घोड़ा इवन मनी 1.5 रुपये तो खेलिए, इसको जीतना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ओट खुलता है तो देखते हैं। तो दूसरा घोड़ा के लिए हॉर्स नंबर 13 माइटी, जो कि HM अक्षय फॉर प्लेस। अब बात करते हैं फोर्थ रेस, द RKD प्लेट क्लास 5 की रेस है, हॉर्स एटेड 4-30।
1600 मीटर की रेस है 4:15 को, यहाँ पर 7 हॉर्सेस हैं, यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 5 निजवाती विंग्स, जबकि अब्दुल फजल फॉल इन प्लेस, प्लेस मिले तो प्लेस के लिए घोड़ा कल 1-2 से बाहर नहीं जाना चाहिए, बस देखिए ओट्स क्या खुलता है उसके अकॉर्डिंग खेलिए। मेरे हिसाब से कल ये घोड़ा डे बेस्ट प्लेस होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद ही आती हैं, मतलब आज जो मेरा डे बेस्ट प्लेस था घोड़ा फालतू लग रहा था। क्या घोड़ा था उसका नाम मून्स ब्लेशिंग, टेबर का घोड़ा था, मैंने हैंडीकैप में तो घोड़ा आ रहा था, लेकिन अब घोड़े को देखो तो टच भी नहीं करना को मन किया, वह घोड़ा आउट भी हुआ, फोर्थ हुआ, तो ऐसा होता है हैंडीकैप में, हैंडीकैपिंग हैंडीकैपिंग होती है, घोड़े का फिटनेस बहुत मैटर करता है। तो अब बात करते हैं फिफ्थ रेस, तो नॉर्दर्न इंडिया कप 4 हॉर्सेस 3 अराउंड ओनली, 1600 मीटर की रेस है 4:45 को, 5 घोड़े हैं, यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 5 नाइट पेशर, जो कि आकाश राजपूत फॉर विन प्लेस, प्लेस मिले तो प्लेस के लिए। एक नंबर रॉकेट पांडे देखते हैं, इसको बहुत टॉप वेट में जा रहा है, घोड़ा तो अच्छा है, लास्ट टाइम भी मैंने ग्रुप में दिया था ये घोड़ा जीत गया था, लास्ट टाइम बहुत अच्छा दिख रहा था, तो कल थोड़ा वेट का इशू लग रहा है, 61.5 किलो में जा रहा है। अभी ये 5 नंबर को वेट का बहुत बेनिफिट है, मतलब लोअर वेट में, सबसे लोअर वेट में जा रहा है, तो देखते हैं क्या भाव खुलता है क्या होता है, लेकिन 5 नंबर 1-2 में रहना चाहिए। अब बात करते हैं सिक्स रेस लास्ट रेस, द डेंजरियस डन प्लेट, क्लास टाइप की रेस है, हॉर्स रेटर 4:30, 1100 मीटर की रेस है 5:15 को, यहाँ पर 14 हॉर्सेस हैं, यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 8 वेदगर्भा, जो कि धनु सिंह द्वारा फॉर इन प्लेस, प्लेस मिले तो प्लेस के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों को देखिए फिर बैटिंग कीजिए, एक दो रेसेस बहुत होती हैं जीतने के लिए, आज अगर मैं 5 में 5 प्लेस करके क्लोज कर दिया होता तो लॉस नहीं होता, लेकिन मैं लास्ट तक चला गया तो लॉस में आ गया आज, मतलब 6 दिन जीता था आज 1 दिन लॉस में आया, और गलती मेरी ही थी। तो देख के खेलिए संभल के खेलिए, परसों मुंबई की रेस है, मुंबई की रेस अच्छी लग रही है, कार्ड बहुत ही अच्छा लग रहा है, इम्प्रेसिव कार्ड है, आज भी कार्ड अच्छा था, मतलब ऐसा नहीं कि घोड़े नहीं आए, आज भी घोड़े आए हैं, बस मेरी गलती के कारण आज मैं हारा हूँ। तो कल देख के खेलिए, मुंबई की रेस में करते हैं अच्छा करते हैं, बहुत 4 रेसेस ऐसी हैं तो मस्त घोड़े आएंगे आराम से, तो कल थोड़ा पेशेंसली रेस को खेलिए। तो आई होप आपका दिन आज कल अच्छा जाए, संभल के खेलिए। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपको वीडियो कैसी लग रही करना बताएं, फिर मिलते हैं परसों मुंबई की रेस में, आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, गुड बाय।